आज बात उन बाहुबलियों की जो गणतंत्र के रास्ते लोकतंत्र के नुमाइंदे बने, लेकिन उनकी आदत से क्राइम कंट्रोल ना हो सका। यही वजह रही कि विधायक से सांसद और फिर मंत्री बनने के बावजूद इनके अपराधी तेवर और कर्म इन्हें जनता की सेवा कराने के बजाय जेल की हवा खिलाने ले गए। ये बाहुबली आज देश के किसी न किसी जेल में बंद हैं और इनका इतिहास इनके खौफनाक कल की गवाही दे रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के चहेते। लालू जब भी सत्ता में रहे तो शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने की कोशिश कभी बिहार पुलिस नहीं कर सकी। एक बार कोशिश की तो इतनी गोलियां चली थी कि उनके खोखे शायद आज भी कहीं किसी जगह पड़े मिल जाए। शहाबुद्दीन पर सबसे संगीन आरोप तेजाब से दो लोगों को जलाकर मार डालने का लगा, जिसकी वजह से वो जेल में सजा काट रहे हैं। शहाबुद्दीन पर 21 साल की उम्र में सीवान के थाने में पहला मामला दर्ज हुआ। अपराध के दम पर इलाके में दबदबा बना। 1990 में लालू यादव ने सीवान से विधानसभा का टिकट दिया। सीवान से 4 बार सांसद तो 2 बार विधायक रहे शहाबुद्दीन। 2001 में आरजेडी नेता को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस अधिकारी को उन्होंने थप्पड़ मारा। इसके बाद पुलिस फोर्स शहाबुद्दीन को पकड़ने सीवान में उनके घर पहुंची, जहां पुलिस और शहाबुद्दीन के गुर्गों के बीच घंटों गोलाबारी हुई थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग मारे गए, लेकिन शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। साल 2004 में CPI-ML कार्यकर्ता के अपहरण और हत्या का आरोप लगा। साल 2004 में सीवान में 2 व्यवसायी भाइयों की तेजाब से चलाकर हत्या करने और चश्मदीद गवाह की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया। शहाबुद्दीन पर लूट के दर्जनों मामले हैं और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। प्रभुनाथ सिंह, चुनाव हारने पर जिन्होंने विरोधी को बम से उड़वा दिया। सीमेंट कारोबारी से बाहुबली बने प्रभुनाथ सिंह के रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे तो कभी लालू प्रसाद यादव उन्हें अपनी पार्टी में ले आए। प्रभुनाथ सिंह ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार सारण के मशरक से 1985 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। 1990 में दोबारा चुनाव जीते, लेकिन 1995 में अपने चेले रहे अशोक सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अशोक सिंह की बम मारकर हत्या कर दी गई। विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में अपने भाई समेत आरोपी बनाए गए। हत्या, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, धमकी देने और मारपीट के 35 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह ने पहली बार महाराजगंज संसदीय सीट से साल 1998 में जीत हासिल की थी। सीवान में शहाबुद्दीन के साथ राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी खूब चली। 2012 में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए तो फिर दोनों में सुलह हो गई। अनंत सिंह, बिहार के बाढ़ के बाहुबली अनंत सिंह की कथा अनंत। राजनीति में अनंत सिंह को लाने का श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। बिहार में छोटे सरकार के नाम से मशहूर हैं अनंत सिंह। अनंत सिंह को बेहतरीन घोड़े पालने और शानदार चश्मे लगाने का शौक है। घोड़ों के प्रति उनका प्रेम दिखता रहा है। एक बार तो पटना विधानसभा तक वो घोड़े पर ही बैठकर पहुंच गए थे। मोकामा से विधायक अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद हैं। बिहार में बाढ़ में उनके पैतृक घर से AK-47 और अन्य असलहा बरामद हुए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। साल 2004 में मोकामा में अनंत सिंह के घर में पुलिस की छापेमारी के दौरान दोनों तरफ से घंटों गोलीबारी हुई, जिसमें 1 पुलिसकर्मी और अनंत सिंह के 8 समर्थकों की मौत हुई। इसके बाद से अनंत सिंह सुर्खियों में आ गए। अपने बड़े भाई दिलीप सिंह की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में उतरे थे अनंत सिंह। साल 2005 में पहली बार जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधायक बने, फिर 2010 में भी चुनाव जीता। सूरज भान सिंह, बिहार के बेगूसराय का बाहुबली। मोकामा के विधायक बाहुबली अनंत सिंह के साथ बेगूसराय के बाहुबली सूरज भान सिंह का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। सूरज भान सिंह कभी अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के शागिर्द हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों के बीच रंजिश चली आ रही है।
मोकामा की सीट को लेकर दोनों के बीच टसल जारी है। सूरजभान सिंह बेगूसराय से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद वो बलिया से निर्दलीय सांसद का चुनाव भी जीते, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। उन पर हत्या, रंगदारी, धमकी देने जैसे कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उनकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर से सांसद हैं। मुन्ना शुक्ला, जिलाधिकारी की हत्या के साथ रखा क्राइम की दुनिया में पहला कदम। विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला जिस जेल में बंद हैं, उसी में उन्होंने बार बालाओं के ठुमके लगवा दिए। मुन्ना शुक्ला का खौफ बिहार के वैशाली के लालगंज में इस कदर दौड़ता रहा कि वो 15 साल तक विधायक बने रहे। मुन्ना शुक्ला ने भाई छोटन शुक्ला की हत्या के बाद क्राइम की दुनिया में कदम रखा। भाई की शव यात्रा निकालने के दौरान जिलाधिकारी से झड़प हुई और जिलाधिकारी को पीट पीट कर मार डाला गया। भाई छोटन शुक्ला की हत्या के जिम्मेदार राबड़ी सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में डॉन श्री प्रकाश शुक्ला, सूरज भान सिंह, राजन तिवारी और मुन्ना शुक्ला शामिल थे। अपराध की दुनिया से राजनीति में उतरे और कभी LJP तो कभी JDU के टिकट पर विधायक बने। एक बार फिर लालगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के बाहुबलियों पर हमारी ये विशेष पेशकश जारी है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि किस तरह बिहार में सुनील पांडे, आनंद मोहन सिंह, पप्पू यादव और रामा सिंह जैसे बाहुबली दहशत का पर्याय बनते चले गए और सत्ता तक पहुंच गए। बिहार के बाहुबलियों पर जरूर देखें पार्ट 2।